नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर्स वर्ल्ड बाय ब्रॉड। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा बायोग्राफी और फेमस वर्क्स केकेएन दारूवाला की। शायद इनका नेम आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, क्योंकि इनके लिखी हुई शॉर्ट स्टोरीज आपको प्लस टू क्लास में देखने को मिल जाएंगी, और फिर आगे बीए में और एमए में बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इनके लिखे हुए वर्क आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी बेसिक इंग्लिश लिटरेचर से लेकर हाईएस्ट लेवल तक इंग्लिश लिटरेचर के सारे वर्क्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए, बायोग्राफी, पोएम, ड्रामा वगैरह। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम आज की हमारी वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। द सब्सटेंस और हिज पोइट्री, इन्होंने जो कुछ अपनी रियल लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस किया वही इन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर लिखा। इनकी पोइट्री की थीम आपको मिलेंगे जैसे कि डेथ और मिजरी और डिजीज। नेक्स्ट पॉइंट है, ही वॉज ए स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन द इंटरनेशनल अफेयर्स। यानी कि दोस्तों, ये इंटरनेशनल अफेयर्स पर प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट भी रह चुके हैं केकेएन दारूवाला। और लास्ट में जब ये रिटायर हुए थे तो ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की पोस्ट पर थे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो उसके अंदर ये बताया गया है कि
आज प्रेजेंट टाइम के अंदर के दारूवाला लीडिंग फिगर हैं इंडियन पोइट्री में, इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर प्रेजेंट टाइम में। और सेकंड पॉइंट के अंदर बताया गया है कि इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था 1984 के अंदर। इनका वर्क आया था जिनका नेम था द कीपर ऑफ द डेड। ये एक पोइट्री कलेक्शन था जिनके जिसके लिए इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया गया। ये क्वेश्चन याद कर लेना दोस्तों कि साहित्य एकेडमी अवार्ड कब दिया गया और किस वर्क के लिए दिया गया। और ये इनका मोस्ट नोटेबल वर्क भी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क भी है। और दोस्तों मैं आगे इसके बारे में बता दूँ, साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में, 2015 के अंदर इन्होंने अपना साहित्य अकेडमी अवार्ड वापस कर दिया था। इन्होंने अपना साहित्य अकेडमी अवार्ड वापस क्यों किया था, इसके पीछे का कारण जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि 2015 के अंदर एक ऑथर का मर्डर कर दिया गया था जिनका नेम था M.M. कालबर्गी। और इंडिया के बहुत से ऑथर और पोइट्स ने इसका प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था साहित्य अकेडमी के संस्था के खिलाफ, क्योंकि साहित्य अकेडमी अवार्ड की जो संस्था है उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई आवाज़ नहीं उठाई इस मर्डर के अगेंस्ट। तो KKN दारूवाला ने भी अक्टूबर के अंदर अपना साहित्य अकेडमी अवार्ड वापस कर दिया। और इसके अलावा 20-25 और इंडियन ऑथर्स और पोइट्स ने अपना अवार्ड वापस कर दिया था। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसके अंदर बताया कि निजिम एज़िकल जो कि इंडियन ऑथर हैं, इन्होंने दारूवाला के लिए एक बहुत ही अच्छी लाइन कही है, दारूवाला हैज द एनर्जी ऑफ टाइगर, एनर्जी ऑफ लॉइन, यानी कि दारूवाला लॉइन की, शेर की एनर्जी रखते हैं। ये भी याद करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये कोटेशन देके पूछ लेते हैं कि ये कोटेशन किसने किसके लिए कही है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इनको मिले कुछ और अवार्ड्स की, जैसे कि मैंने आपको एक तो बता ही दिया कि इनको सबसे मेन जो प्राइज था वो था साहित्य अकेडमी अवार्ड जो कि इनको 1984 के अंदर मिला। इनका वर्क आया था द कीपर ऑफ द डेड, ये पोइट्री कलेक्शन था। और इनको 2014 के अंदर इंडिया का फोर्थ नंबर का बिगेस्ट अवार्ड मिला, पद्मश्री। और 1972 में इनको मिला उत्तर प्रदेश स्टेट अवार्ड। इनका वर्क आया था एप्रिएशन इन अप्रैल उसके लिए। और 1987 में इनको मिला कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज फॉर एशिया। इनका वर्क आया था लैंडस्केप 1987 के अंदर, उसके लिए इनको ये प्राइज मिला। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इनके बुक्स की, इनके बुक्स, उनके लिखे हुए वर्क की। इनकी पहली बुक पब्लिश हुई थी 1970 में जिसका नेम था अंडर ऑरियन। इसको राइटर्स वर्कशॉप के द्वारा पब्लिश करवाया गया इंडिया में। सेकंड इनका वर्क आया 1971 में एप्रिएशन इन अप्रैल, इसको भी राइटर्स वर्कशॉप के द्वारा पब्लिश करवाया गया। और इसके बाद में 1976 के अंदर इनका वर्क आया क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा पब्लिश करवाया गया। इसके बाद में 1979 के अंदर इनका वर्क आया स्वॉर्ड्स एंड एबिसिस, ये एक इनका शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था जिसको विकास पब्लिश के द्वारा पब्लिश करवाया गया। और इसके बाद में 1980 के अंदर इनका वर्क आया विंटर पोएम्स, इसको अलाइंड पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश करवाया गया। और इसके बाद में 1982 के अंदर इनका वर्क आया द कीपर ऑफ द डेड, ये इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा पब्लिश करवाया गया था। और इसी के लिए मैंने आपको बताया था कि 1984 के अंदर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। इसके बाद में दोस्तों इनका वर्क आया था 1987 के अंदर लैंडस्केप्स, इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज के द्वारा प्रेस के द्वारा पब्लिश करवाया गया। फिर 1995 के अंदर समर ऑफ टाइगर्स पोइम्स इनकी आई, बुक आई। फिर 1996 के अंदर द मिनिस्टर फॉर परमानेंट अनरेस्ट एंड अदर स्टोरीज, इसको ओरिएंट ब्लैक स्वान के द्वारा पब्लिश करवाया गया। फिर 2000 के अंदर इनकी बुक आई नाइट रिवर्स, ये पोइम्स थी इनके बुक के अंदर, इस बुक के अंदर पोइम्स थी। फिर 2002 के अंदर इनकी नेक्स्ट बुक आई द मैप मेकर, ये
पोएम थी, इसको भी ओरिएंट ब्लैक स्वान के द्वारा पब्लिश करवाया गया। फिर 2003 के अंदर इनकी स्टोरीज की बुक आई ए तो दोस्तों ये थी KKN दारूवाला की बायोग्राफी। अगर आपको लगे कि मेरे द्वारा आपको कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और लिटरेचर के और वर्क को पढ़ने के लिए भी चैनल से जुड़े रहें। बाय बाय, बी हैप्पी, फील नेचर।